गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एमएस पेंट। पेंट की एक्सटेंशन है .png, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स पीएनजी की फुल फॉर्म है। पेंट का यूज है पेंटिंग करना, कार्टून क्रिएट्स करना, लोगो क्रिएट करना, कोई भी ड्राइंग क्रिएट करना, पासपोर्ट साइज फ़ोटो बना सकते हैं इसके अंदर। इसको हम ओपन कर सकते हैं स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करके, सर्च बार पर क्लिक करके, सर्च करके। इसकी रन कमांड है एमएस पेंट और पी ब्रश। रन कमांड की शॉर्टकट है विंडो प्लस आर। यहाँ पे टाइप करेंगे पी ब्रश, यहाँ पे जो टाइप करके ऐसे, या फिर यहाँ पे टाइप करेंगे एमएस पेंट, शो कर देगा। इसको क्लोज कर सकते हैं कांटा पे क्लिक करके या अल्ट प्लस F4। मिनिमम स्क्रीन छोटी करने के लिए, मैक्सिमम बड़ी करने के लिए। विंडो प्लस डाउन एरो मिनिमम, विंडो प्लस अप पैरो मैक्सिमम। मिनिमाइज समेट के रखना टास्क बार पे, मैक्सिमाइज वापस ओपन कर सकते हैं यहाँ से। विंडो प्लस डी मिनिमाइज मैक्सिमाइज। फाइल पे क्लिक करके एग्जिट क्लोज करना या अल्ट स्पेस या अल्ट F4 क्लोज करना। कीबोर्ड से अल्ट F4, अल्ट स्पेस, विंडो डाउन अप मिनिमम मैक्सिमम, विंडो डी मिनिमाइज मैक्सिमाइज। उसके बाद जहाँ पे ये लिख रखा है टाइटल पेंट, ये है टाइटल बार, फाइल होम व्यू मेन्यू बार, जो ये हमें टूल्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, शेप्स, टूल्स, इमेज, क्लिप बोर्ड, कलर्स, ये होते हैं हमारी रिबन बार। होम पे डबल क्लिक करेंगे, आईडी डबल क्लिक करेंगे, शो। कंट्रोल F1 आइडन आइड रिबन बार की शॉर्टकट की है। उसके बाद है स्क्रोल बार, पेज को टॉप डाउन करना। ये ओरिजेंटल बार, लेफ्ट राइट करना। ये वर्क एरिया जो ब्लैंक दिखाई दे रहा है वाइट। ये टास्क बार या ब्लू पार्ट एरिया जिस पे अपना स्टार्ट मेन्यू है। सबसे पहले पेंसिल के साथ में कुछ भी ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं आकृति। पेंसिल के साथ में कुछ भी ड्रा करेंगे। पेंसिल की नोक का साइज 0.01 mm। साइज ज़्यादा करना है, साइज पे क्लिक करेंगे, जो भी सिलेक्ट करेंगे वो शो करेगा। और ज़्यादा करना है पेंसिल की नोक का साइज, कंट्रोल प्लस ज़्यादा के लिए, कंट्रोल माइनस कम के लिए। कलर चेंज करना, जो भी कलर सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे शो करेगा। कलर चेंज कर सकते हैं पेंसिल का। बिल्कुल स्ट्रेट ड्रा करनी कोई भी लाइन, यहाँ पे स्ट्रेट ड्रा कर सकते हैं शिफ्ट के साथ, कोई भी लाइन क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से उसके बाद बकेट पे क्लिक करके कोई भी कलर फिल करना, जो भी कलर सिलेक्ट करेंगे वो इसके अंदर फिल कर देगी। इसके बाद इरेजर से इरेज करना कलर। इरेजर का साइज कंट्रोल प्लस ज़्यादा के लिए, कंट्रोल माइनस कम के लिए। डायरेक्ट न्यू पेज लेना कंट्रोल प्लस N। राइट एरो से डोंट सेव एंटर। कोई भी दो शेप इंसर्ट करके हमने शेप की आउटलाइन का साइज, साइज पे क्लिक करके जितना भी सिलेक्ट करेंगे। और ज़्यादा करना है तो कंट्रोल प्लस ज़्यादा के लिए, कंट्रोल माइनस कम के लिए। पेंसिल, ब्रश, आउटलाइन साइज, इरेजर सबका कंट्रोल प्लस ज़्यादा, कंट्रोल माइनस कम। कलर बॉक्स से कलर चेंज करना, आउटलाइन जो भी कलर देना है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद राइट की तरफ मूव करना है शेप को, लेफ्ट की तरफ लेफ्ट, डाउन अप, इसको ड्रैग कर सकते हैं माउस के साथ में इधर उधर। उसके बाद है कलर पिकर, भी कोई भी दो शेप इंसर्ट कर रखी है बकेट के साथ में। पहले कलर बॉक्स पे कलर से फिल करेंगे शेप के अंदर। यहाँ पे वापस कलर पिकर इस पर क्लिक करेंगे, बकेट के अंदर चेंज हो जाएगा, दूसरी शेप में कलर फिल करेगा, मतलब कि ड्रॉप करना कलर को एक जगह से दूसरी जगह पे पिक करेगा। उसके बाद है कोई भी पेज, न्यू पेज क्रिएट करना है कंट्रोल प्लस N शॉर्टकट की है। कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करना है कंट्रोल प्लस O शॉर्टकट की है। सपोज हमने ये फाइल ओपन करनी, इस तरीके से शो कर देगा। अल्ट F4 क्लोज करना फाइल को। सेव करनी है कोई भी फाइल, कंट्रोल प्लस S सेव की शॉर्टकट की है। फाइल पे क्लिक करोगे न्यू ओपन सेव यहाँ पे दिखाई देगा। कंट्रोल N, कंट्रोल O, कंट्रोल S साथ में दे रखी शॉर्टकट। उसके बाद है
ए पे क्लिक करके कोई भी टेक्स्ट टाइप करना। कंट्रोल जेड बैक करने के लिए अंडू। यहाँ पे कोई भी नाम टाइप करेंगे। ओपे क्यू क्लियरिटी लेके आना। पेंटिंग के अंदर ट्रांसपेरेंट वापस आउटलाइन बीच से कट थी वो शो कर देगा। उसके बाद है यहाँ से लैंग्वेज, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कर्सर के साथ भी कर सकते हैं इसको सिलेक्ट, या कंट्रोल प्लस ए होल सिलेक्ट की शॉर्टकट की है। ये तो लैंग्वेज चेंज करने के लिए यूज होगा, डायलॉग बॉक्स है फ़ॉन्ट का, जो भी सिलेक्ट करेंगे शो कर देगा। यहाँ से टेक्स्ट साइज कम ज़्यादा करना, स्टाइल देना बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, वापस क्लिक करेंगे जो इफेक्ट डाला है वो हाइड हो जाएगा। कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक, कंट्रोल यू अंडरलाइन। उसके बाद कलर फिल करना, होम पे क्लिक करेंगे, इरेजर पे कलर टू सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ में, इरेजर का साइज कंट्रोल प्लस, लेफ्ट से इरेज करने, लेफ्ट बटन का यूज होगा इरेज के लिए और राइट बटन का यूज होगा माउस का कलर फिल करने के लिए। इस तरीके से कलर फिल कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के अंदर। उसके बाद जो भी टेक्स्ट टाइप करके 3D इफेक्ट डालना है टेक्स्ट के ऊपर, तो सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन सिलेक्ट, वापस सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन शिफ्ट प्रेस करे रखना है, लेफ्ट बटन के साथ नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, ये नहीं हुआ, दोबारा से ट्राई करेंगे इसको, कंट्रोल जेड, यहाँ पे वाइट सिलेक्ट, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन सिलेक्ट, शिफ्ट प्रेस करे रखना है और नीचे की तरफ ट्रैक कर देना। इस तरीके से 3D टेक्स्ट टाइप, 3D इफेक्ट डाल सकते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर। इस तरीके से टाइप कर देंगे। उसके बाद है जूम, जूम माउस का लेफ्ट बटन यूज करेंगे जूम इन के लिए, जूम आउट राइट करना, राइट जूम आउट करने के लिए, जूम इन लेफ्ट के लिए, सॉरी लेफ्ट बटन यूज करेंगे जूम इन पेज का साइज ज़्यादा करने के लिए, और माउस का राइट बटन यूज करेंगे जूम आउट के लिए। यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ पे शो कर रहा है जो भी करना है, या फिर कंट्रोल पेज अप जूम इन की शॉर्टकट की है और कंट्रोल प्लस पेज अप जूम आउट की शॉर्टकट की है। कंट्रोल प्लस पेज अप जूम इन, कंट्रोल प्लस पेज डाउन जूम आउट। उसके बाद बर्स, बर्स पे क्लिक करेंगे, जो भी बर्स उठाना है यहाँ से यूज कर सकते हैं। ब्रश की नोक का साइज, साइज पे क्लिक करके ब्रश साइज ज़्यादा कर सकते हैं, बढ़ जाएगा। कलर बॉक्स से कलर्स, इस तरीके से कोई भी पेंटिंग क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस साइज ज़्यादा के लिए, कंट्रोल माइनस कम के लिए। उसके बाद है यहाँ पे आउटलाइन फील, कलर टू पे कलर सिलेक्ट करेंगे, आउटलाइन शेप के आउटलाइन पे इफेक्ट डालेगा, नो आउटलाइन सॉलिड कलर क्राइन मार्कर ऑयल नेचुरल पेंसिल वाटर कलर। उसके बाद है फील, शेप के अंदर शो करेगा सॉलिड क्राइन मार्कर ऑयल नेचुरल पेंसिल वाटर कलर। इस तरीके से अलग अलग कलर का हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद है सिलेक्ट,
ऑप्शन, ये तो रेक्टेंगल वे में सिलेक्ट करेगा, सिलेक्शन के लिए यूज होगा। प्री फ्रॉम जिगजैग वे में सिलेक्ट करने के लिए डेटा मेडा इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं अपने वर्क को। सिलेक्ट टैब का यूज सिलेक्शन के लिए होता है, सिलेक्ट ऑप्शन का यूज सिलेक्ट ऑल सारे एरिया को सिलेक्ट करना, कंट्रोल प्लस से सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की है। इनवर्ट सिलेक्शन भाई जो सिलेक्ट करके उसको अनसिलेक्ट करना। डिलीट पहले सिलेक्ट करेंगे, जितने को भी डिलीट करना है सिलेक्ट डिलीट, कंट्रोल प्लस ए ऑल सिलेक्ट, डिलीट प्रेस करेंगे कीबोर्ड से डिलीट हो जाएगा, वापस कंट्रोल जेड। ट्रांसपेरेंट जो शिफ्ट के साथ यूज किया था, एक इसके अंदर सिनेक्ट्रिक होती है, कंट्रोल एन से न्यू पेज क्रिएट करेंगे। कोई भी शेप इंसर्ट करेंगे, सिनेक्ट्रिक स्नैक का फेस क्रिएट करेंगे पहले, कंट्रोल माइनस करो इंसर्ट करेंगे, बकेट पे क्लिक करेंगे, अपने जो स्नैक फेस है उसके अंदर कलर फिल करेंगे, कलर सिलेक्ट कलर फिल, वापस सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन अपने फेस को सिलेक्ट करेंगे, स्नैक के फेस को वापस सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। ट्रांसपेरेंट पहले से क्लिक है, शिफ्ट प्रेस करेंगे और माउस के साथ इसको ड्रैग कर देंगे, इस तरीके से हम स्नेक क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। ये होता है स्नेक ट्रिक पेंट के अंदर। उसके बाद होता है कट, सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, जितना भी एरिया कट करना उसको सिलेक्ट करेंगे, वापस कट, कंट्रोल जेड वापस अंडू, कॉपी करना इसको, पहले सिलेक्ट करेंगे जिसको भी कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट यहाँ से ड्रैग करेंगे, इस तरीके से शो कर देगा। कंट्रोल एक्स कट की शॉर्टकट की साथ में दे रखी है, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, एक इसके अंदर है पेस्ट फ्रॉम, पेस्ट फ्रॉम का यूज है साथ में कोई भी फाइल ओपन करना है यहाँ पे, इस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में वर्क रख सकते हैं और साथ में अपनी फाइल ओपन कर सकते हैं, दोनों वर्क एक साथ रखना। अगर ओपन से ओपन करेंगे, ऑफिस बटन से ओपन करेंगे सॉरी, कोई भी फाइल, तो या तो सिर्फ फाइल शो करेगा या सिर्फ वर्क शो करेगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। उसके बाद होगा क्रॉप, कोई भी फ़ोटो को क्रॉप करना, जिस तरह से फ़ोन में फ़ोटो क्रॉप करते हैं इस तरह से कंप्यूटर में भी क्रॉप कर सकते हैं। सिलेक्ट करेंगे, पहले सिलेक्ट क्रॉप, वापस कंट्रोल जेड, कंट्रोल शिफ्ट एक्स क्रॉप की शॉर्टकट की है। कोई भी शेप है इंसर्ट कर रखी है उसको रिसाइज करना है, तो पहले सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सिलेक्शन उठाएंगे, सिलेक्शन के अंदर शेप सिलेक्ट है, रिसाइज पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू रिसाइज की शॉर्टकट की है, यहाँ से जो भी साइज देना है अपना वो टाइप करेंगे, रिसाइज कर सकते हैं, रोटेट करना किसी भी एंगल में रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद है व्यू, जूम इन पेज का साइज ज़्यादा करना, जूम आउट वापस छोटा करना, कंट्रोल प्लस पेज अप जूम इन की शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस पेज डाउन जूम आउट की जो हमने होम टैब के अंदर की थी। 100% नॉर्मल पेज इंसर्ट करना, रूलर्स इंसर्ट करनी है, रूलर्स इंसर्ट कर सकते हैं जो मेजरमेंट करेगी स्केल टाइप अपने पेज को, कंट्रोल प्लस आर रूलर्स की शॉर्टकट की है,
कंट्रोल प्लस आर। ग्रिड लाइन ग्राफिक पेज रखना है या ब्लैंक, कंट्रोल प्लस जी ग्रिड लाइंस की शॉर्टकट की लेना है, कंट्रोल प्लस जी ग्रिड लाइन की शॉर्टकट की है। उसके बाद है स्टेटस बार, जो पेज का साइज शो करती है यहाँ पे डाउन साइड में, वो कर्सर की दूरी बताएगी स्टेटस बार से कितनी दूरी पर है, शो करनी है या ऐड करनी है। पेज पे हमने कोई भी वर्क कर रखा है, सपोज हमने कोई भी शेप इंसर्ट कर ली, फुल स्क्रीन पे देखना है इसको, तो व्यू पे क्लिक करेंगे फुल स्क्रीन शो कर देगा, वापस क्लिक करेंगे नॉर्मल। F11 फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की है, F11 फुल स्क्रीन वापस से प्रेस करेंगे नॉर्मल पे ले आएगा, 100% पेज का साइज शो करेगा। थंबनेल लॉक है, जूम इन पे क्लिक कर देना है, थंबनेल ओपन हो जाएगा, मिरर की तरह वर्क करेगा, जो भी पेज पे वर्क करेंगे वो शो करेगा। चेंज होगा भाई जो पेज पे है अपनी शेप, उसका साइज इंक्रीज होगा आउटलाइन का, और थंबनेल के अंदर नॉर्मल शेप की आउटलाइन शो करेगा। उसके बाद जूम आउट पे क्लिक करेंगे लॉक हो जाएगा। उसके बाद ये होगा होम मेन्यू और व्यू मेन्यू। उसके बाद होगा हमारा फाइल मेन्यू, फाइल पे क्लिक करके न्यू पेज से कोई भी न्यू पेज क्रिएट करना, कंट्रोल प्लस एन न्यू की शॉर्टकट की है। ओपन कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओपन की शॉर्टकट की है। सेव कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करना, कंट्रोल प्लस एस सेव की शॉर्टकट की है। सेव एज रीनेम करना, F12 सेव एज की शॉर्टकट की है। प्रिंट आउट करना है कोई भी डॉक्यूमेंट, प्रिंट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट की शॉर्टकट की है। कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करना है, ईमेल भेजना है, सेट एज डेस्कटॉप, कोई भी फाइल ओपन करके डेस्कटॉप पे इंसर्ट करना। सपोज हमने ये फाइल ओपन कर ली, अब इसको डेस्कटॉप पे लगाना है तो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे वापस फाइल पे क्लिक करेंगे, सेट एज डेस्कटॉप पे, यहाँ पे वापस फाइल पे क्लिक करेंगे सेट एज डेस्कटॉप पे। साइड में तीन ऑप्शन है, फिल टाइल सेंटर, स्टार्टिंग में फिल करके देखते हैं कैसे शो करता है, मिनिमाइज करेंगे इस तरीके से डेस्कटॉप पे शो कर देगा। उसके बाद होगा मैक्सिमाइज, वापस ओपन करेंगे फाइल को, फाइल्स पे क्लिक करके सेट एज डेस्कटॉप टाइल, मिनिमाइज विंडो डी, टाइल में डबल शो करेगा स्क्रीन पे जो फाइल हमने डेस्कटॉप पे इंसर्ट की थी जो फोटो। वापस फाइल डेस्कटॉप सेंटर, सेंटर में हमारी पिक्चर दिखाई देगी, टॉप और डाउन में ब्लैक बॉर्डर दिखाई देगा। इस तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं डेस्कटॉप पे पिक्चर को। वापस क्लिक करेंगे फाइल्स पे, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ई। प्रॉपर्टीज से हम अपने कलर बॉक्स को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिखाई देगा ब्लैक एंड वाइट। यहाँ बकेट पे क्लिक करेंगे, कोई भी फाइल यो पैटर्न सेलेक्ट करेंगे, इसमें फिल करेगा। इस तरीके से यूनिक पैटर्न, यूनिक पेंटिंग हम क्रिएट कर सकते हैं इससे। वापस फाइल पे क्लिक करेंगे, अबाउट पेंट, पेंट का वर्जन शो करेगा और जो कंप्यूटर्स के अंदर अपनी विंडो है वो शो करेगा। एग्जिट क्लोज करना, यहाँ पे शॉर्टकट की भी हमने साथ में की है, प्रैक्टिकल भी। इसके अंदर जो शॉर्टकट है वो एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल ए ऑल सिलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट एक्स क्रॉप, कंट्रोल डब्ल्यू रिसाइज, कंट्रोल बी बोल्ड, कंट्रोल आई इटैलिक, कंट्रोल यू अंडरलाइन, कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल वाई रेडू, कंट्रोल पेज अप जूम इन, कंट्रोल प्लस पेज डाउन पेज जूम आउट, कंट्रोल प्लस आर रूलर, कंट्रोल प्लस जी ग्रिड लाइन, F11 फुल स्क्रीन, क्लोज अल्ट F4, मिनिमम विंडो डाउन की, विंडो अप की, मिनिमाइज विंडो डी, अल्ट स्पेस अल्ट F4 क्लोज। उसके बाद कंट्रोल ई प्रॉपर्टीज, एग्जिट अल्ट स्पेस, कंट्रोल पी प्रिंट, F12 सेव एज, सेव कंट्रोल एस, ओपन कंट्रोल ओ, न्यू कंट्रोल एन। तो आई इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो पसंद ना आई तो वीडियो को डिसलाइक करें। अपने सुझाव और विचार को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वॉचिंग फॉर यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।